अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए नई रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है मावा रोल। तो उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती मैं भी आपको डिटेल में बताती हूँ। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मावा ली हूँ और यह है मिल्क पाउडर, शक्कर, दूध, कलर, इलायची पाउडर, घी और यह है रोज़ वाटर। तो अब मैं जो मावा रोल बनाने वाली हूँ तो वो है मिल्क पाउडर का, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा मावा डालूँगी। अगर आपके पास मावा है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। मिल्क पाउडर से भी आप मावा बना के बना सकते हैं। तो अब मैं इस चूल्हे को, गैस को ऑन नहीं करूँगी, पहला सब मैं इसमें डाल दूँगी फिर ऑन करूँगी। तो चलिए आइए देख करते हैं अभी स्टार्ट। मैं यहाँ सब रख दूँ क्योंकि मेरा टेबल बहुत छोटा है, मुझे और टेंशन हो जाता छोटा होने की वजह से। तो यहाँ पर मैं दूध ली हूँ, एक कप दूध है। तो यहाँ पर मैं दूध पहला डाल दूँगी इसमें। गैस पर रख कर, गैस स्टार्ट करके हमको रखना नहीं है क्योंकि ये मिल्क पाउडर है, सब गट्ठे हो जाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। तो ये है कम से कम ये 150 ग्राम मिल्क पाउडर है। अब मैं इसमें इसी को डाल देती हूँ। मैंने 150 ग्राम लिया है। अगर आप बना डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें कम बनाना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने शक्कर ली हूँ, मेजरमेंट करेंगे तो ये 80 ग्राम है और अगर चम्मच के हिसाब से देखेंगे तो ये 4 चम्मच है। मैं अपने मिठास के हिसाब से दे रही हूँ। तो ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ क्योंकि इसी में सब पकूँगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने मावा ली हूँ, आधे कप से भी कम ली हूँ, और इसको मैंने कद्दूकस करके पहले ही रख दिया। अब इसको पहला हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में मैं इसको गैस पे रखूंगी। चलिए देखिए मैंने गैस ऑन करके रख दिया है और गैस के फ्लेम को मैंने एकदम स्लो रखा है। अब इसको स्लो फ्लेम पे हम इसका मावा बनाएंगे, एकदम ठीक होना चाहिए गाढ़ा। अब इसमें मैं डाल दूंगी घी। घी मैंने देखिए एक चम्मच दिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको कंटिन्यू हमको चलाना है, हाथ रोकना नहीं। ये हाथ रुक जाएगा तो ये गट्ठे हो जाएंगे। जब तक ये मावा नहीं बन जाता जब तक हमको चलाना है। चलिए देखिए अब ये गाढ़ा हो रहा है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर ली हूँ, ये भी डाल दिए। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या इलायची की जो खुशबू है ना, फ्लेवर बहुत अच्छी आती है इसमें। अब इसको हमको गाढ़ा करना है। बस इसको गाढ़ा करने के लिए हमको कंटिन्यू हाथ चलाना है। अगर हमने हाथ रोक दिया तो ये नीचे जल भी सकता है, इसके लिए हमको गैस के पास से हटना नहीं है। जो साइड में लगता है इसको भी हम निकाल देंगे। तो जो गाढ़ा करने के लिए, मावा बनाने के लिए टाइम जाता है ना। जब ये मावा बन जाता है खाने में इतना टेस्टी लगता है, घर का बना हुआ होता है ना मावा। धीरे धीरे ठीक हो रहा है, देखो गाढ़ा होते जा रहा है।
इसको इतना पकाना है कि जब ये मावा मावा बन जाएगा और हमारा जो पैन ये छोड़ देगा मावा, तो समझो ये रेडी हो गया। ये होने पर ही है, लाते लाते हाथ दिखता समझो हमारा मावा रेडी हो गया। अब ये पैन छोड़ने लगा है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसको थोड़ी देर जरा हिलाऊं, नहीं तो नीचे लग जाए। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, अच्छे से निकाल के इसको प्लेट में निकाल। मावा हमारा रेडी हो गया। अब इसमें से मैं थोड़ा सा अलग कर लूँगी अंदर की फिलिंग भरने के लिए। तो देखिए मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे हम। चलिए देखिए मैंने जो थोड़ा सा निकाल के रखी थी, अब मैं इसमें पिंक कलर डालूंगी। आप जो सा भी डालना चाहे डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे रोज वाटर थोड़ा सा। ये देखिए मैंने
एक पन्नी ले ली है, पन्नी पे मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसमें मैंने मावा मेरा जो बना हुआ था बैटर वो रख दिया। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, मेरे पास है ही नहीं इस वक्त, मौजूद नहीं है। तो मैंने ये है पन्नी, पन्नी पे मैंने तैयार कर दिया। अब मैं इसको आराम से, ये मैंने बेलन में थोड़ा सा तेल भी लगा दिया, इसको हम बेकेंगे अच्छे से। रख के साइड से सब हम बेल देंगे। अब इसके अंदर हम रखेंगे जो हमने पिंक कलर का जो बना के रखे है बैटर, अब इसको हम देंगे हाथों की मदद से और इसको ऐसे ही लंबा करके हम इस पे रखेंगे। इसको हम यहाँ से मैं रखती हूँ। अब इसको हम फोल्ड करेंगे पन्नी की मदद से, पहले हाथ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे फिर पन्नी से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, अब इसको हम पन्नी से ही ऐसा फोल्ड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे सीधा कर देंगे। अब इसको मैं क्या करूंगी, इसी में फोल्ड करके रख दूंगी, थोड़ा सा सीधा करूंगी इसको। अब इसको मैं फ्रिज में ऐसी फोल्ड करके रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। इसको मैं प्लेट में रख के 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। 1 घंटे के बाद में आपको बताऊंगी कटिंग करके। चलिए देखिए, मैंने 1 घंटा पूरा 1 घंटा रखा था, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल के ला ली हूँ। अब इसको मैं निकाल के बताती हूँ। ये देखिए कितना कड़क हो गया है। अभी मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, अब मैं काट के बताती हूँ। तो जो स्टार्ट का हिस्सा है ना, तो इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे इस तरीके से। इसका काम नहीं है, इसको हम निकाल दें। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस करके आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अब मैं सब ऐसे ही काट के आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, मैंने सब पीस काट ली हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप लोग इसी तरीके से बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।